जब करी थी आपकी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से करी थी, बट आज मैं यहाँ खड़ी हूँ विद द सीडीपी स्कोर 28+। तो देख रहे हो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेन के बाद ये प्रोसेस अपने आप, मतलब मेरा बड़ा बेटा भी है, ही इज 7 years old। ओके, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी ढूंढो अपने लिए जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी। जी यस मैम। तो मैम मैं बस ये कहना चाहूँगी, कैन आई हग यू? अरे बिल्कुल मैम फिर, बट बाकी लोग आ जाओ, आप आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड को कैंसर है, मैं हंसती रहती हूँ, लोग इसलिए मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये हंसती क्यों रहती है। मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलता रहता है, मैं कल भी मेरे को कह रहे थे कि कैसे जाओगी कैसे, मैंने कहा मेरा सीटेट क्लियर हो गया, वो एडमिट रहते थे बेड पे, तो मेरे से बोलते थे कि तुम पढ़ो, तुम्हारे पास यहाँ बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ती रहती थी, आपकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हो गया है मैम। और मैम कल भी मैं कह रही थी, मेरे दो बच्चे हैं मैम। आप कहाँ से आई हैं? और मैम बुराड़ी से हूँ। अच्छा। तो मैं कल भी कह रही थी, मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने नानी के घर पे वो रहती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था उनके, मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ मंथ की, एक मंथ में 20 दिन हॉस्पिटल रहती हूँ, 10 दिन सिर्फ घर पे रहती हूँ जी। तो मेरी बेटी को कल मेरी बेटी 2 दिन पर आ जाएगी, तो मैंने कहा मैं DSSS भी कैसे करूँगी। अच्छा। तो कह रहे हैं मैं सपोर्ट करूँगा, मैं करवाऊँगा, मतलब तुम करना, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब ये अपने आप पे बहुत चैलेंजिंग बात है, और ये जब से आई हैं शुरुआत में भी एकदम, मतलब उनका वो फेस ही इतना वो है कि बहुत लाइट रखती है माहौल। मैम मुझसे ही जी, मतलब मेरा मुझे टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल की वजह से, बच्चे हैं, घर भी मैनेज करना होता, मैं कैसे मैम पढ़ूं, मुझे मैम जॉब चाहिए। वो रात को 3 घंटे का स्ट्रेच, 2 घंटे का स्ट्रेच, कहीं थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कहीं से सीख कर पाए, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है। बहुत मेरी क्रिटिकल है, मुझे जॉब चाहिए, वो मेंटल पीस। बच्चे हैं मैम ना, मुझे जॉब, आप लग पहले तो नहीं, मैं पहले बहुत रहती थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे अगर जॉब नहीं मिलेगी तो मैं अपने बच्चे कैसे संभालूंगी। मैं समझती हूँ बिल्कुल आपकी बात, और आप एक बार यहाँ पे कहीं कुछ नोट भी करा दीजिएगा, शुभम आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेंगे, इसके अलावा हम आपको बैच वगैरह दिलवा देंगे, और वो आप एक बार उसको पढ़िए अच्छे से बैठ के। मैम मुझे मतलब आप ये बता दीजिए मैं कैसे थोड़ा टाइम कैसे मैनेज कर पाऊँ। मैम वही 2 घंटे 3 घंटे वो चुराने वाली बात है, टाइम है नहीं आपके पास, अगर मेरे पास मैम बिल्कुल भी टाइम। हाँ तो वो निकालना, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें हैं, तो उस केस में आपको वो रात में निकालिए टाइम, जैसे भी किसी का सपोर्ट लेके, या जब भी होता है, मतलब आप हंसती रहती हूँ तो सब कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब मेरा कहते हैं कैसे ये हंसती रहती है, इसके हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों का क्या है यार, उनको तो मतलब हाँ एग्जैक्टली मतलब उनको तो इग्नोर ही किया जा सकता है, वैसे तो जीने का अधिकार ही छीन ले, मतलब मेरी मदर कहती है कि अगर आप हर किसी की बात सुनो तो आपको एक पल जीने का अधिकार नहीं है, जो कि फैक्ट है। मतलब अगर आप हर किसी की सुनने लग जाओ कि यार ये कह रहा है वो कह रहा है, फिर तो आप जी लिए। मैम ये मेरी सिस्टर है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। क्या नाम है मैम आपका? मेरी बहुत सपोर्ट करती है। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए दोनों के लिए। मैम हेलो, मैम मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं अपने घर से जबरदस्ती आई हूँ हस्बैंड से लड़के जी, उन्होंने इस तरफ पे भेजा है मुझे जी, कि उन्होंने कहा आप मैम के साथ 1 हफ्ते रह लो, मैं 1 हफ्ते बाद ही लेने आऊंगा, नहीं वही रह जाओ, तो मैं आप ही के साथ रहूंगी, वो लेने भी नहीं आएंगे। ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप ले जाएंगी कि नहीं? बहुत अच्छा, ले जाएंगी कि नहीं? अरे बिल्कुल मैम, यही कम्बल बिछाएंगे। जिनका सीटेट अब हो गया है, और ज़्यादातर लोगों का आप में से सीटेट सबका ही क्लियर है मुझे लगता है, तो उस केस में अभी वही सिंपल, मैंने लास्ट टाइम भी वही बात कही थी, और सबसे पहले एक क्वेश्चन खुद से पूछ लो कि भैया सरकारी नौकरी सच में चाहिए या बस चाह है या उतनी आग है? अगर वो ड्राइव या वो अंदर से नहीं आ रहा है, या मेहनत करने की इच्छा नहीं है, अगर 6 महीने लगातार मेहनत नहीं कर सकते हो, तो फिर कह दो पापा को, मम्मी को, जिसको भी कहना है, बिना मतलब अपनी लाइफ का बैंड मत बजाओ, क्योंकि उससे फिर होने वाला नहीं है। कंपटीशन अच्छा खासा है, अगर आपके अंदर से नहीं है वो, उतनी ड्राइव नहीं है, उतनी आग नहीं है, सिर्फ डिजायर तो किसकी नहीं है, है ना? ऐसे तो कम ही लोग होते हैं जो मना करते कि नहीं ज्वाइन करनी है, तो वो अगर डिजायर तो सभी की होती है, किसको बुरी लगेगी नौकरी अगर मिल ही रही है और सरकारी नौकरी मिल रही है ना? तो उस केस में वो मिलने वाला सीन नहीं है, यहाँ पे बहुत कमाने वाली स्थिति है ना? तो जिनको सच में ये है कि मुझे लेनी ही है किसी भी हालत में और मेरे को चाहिए, तो आप आगे पढ़ाई करिए, नहीं तो अपना चुपचाप से या तो पढ़ाइए प्राइवेट स्कूल में,
आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, आपका जो मन करे करिए, खुद को धोखा मत दीजिए और आसपास वालों को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हम तैयारी शुरू करते हैं फिर हमें पता है हाफ हार्टेडली करेंगे, अरे मैंने तो अपना 100% ही नहीं दिया था, वो एक दो बार चल जाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ फिर प्रॉब्लम बन जाएगी और आप उस लूप से निकल नहीं पाएंगे 30 साल की उम्र तक, 32 साल की उम्र तक, जब तक आपकी एज खत्म नहीं हो जाएगी। तो उससे बेटर है अगर आप कहीं और एफर्ट करना शुरू कर देंगे उस समय। ये बात कोई कहता नहीं है, मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब ऐसा कोई मेरा पर्सनल लालच है नहीं, बिना लालच के बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं लाइफ में और सब अच्छा चल रहा है आप लोगों के पॉजिटिव इंटेंशन से। तो इसमें क्योंकि आपको एक बार जाएंगे आप किसी कोचिंग में, वहाँ फिर आप एक बार एडमिशन लेंगे और फिर सोचेंगे अरे देखेंगे होता है तो पढ़ लेते हैं, वो वाले एटीट्यूड से नहीं होता। अभी कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है, पहले आज से शायद 10 साल पहले उस लेवल का नहीं रहा होगा, आज है। तो अगर आप सच में पढ़ सकते हो और बहुत मन से पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, 6 महीने बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी मतलब ये वाले एग्जाम के लिए ऐसा नहीं आपको सालों पढ़ना है, 6 महीने अगर आपने लग के मेहनत कर ली, उसके बाद आप चाहे प्राइवेट जॉब कर लो साथ में, आप चाहे ट्यूशन पढ़ा लो, आप किसी और फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है, वो परस्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2-3 घंटे आपको रिवीजन को देने होंगे। लेकिन वो जो शुरू के 6 महीने उसमें हो सकता है आप 3-4-5 घंटे, तो हमारे यहाँ 6-6 घंटे क्लास चलती है, तो वो क्लास ही ले रहे हो, फिर उसका वीकली रिवीजन भी करोगे, टेस्ट सीरीज भी दोगे, टाइम मिलेगा ही नहीं आपको। तो वो 6 महीने इंटेंस तैयारी करनी है, चाहे जो लोग डाइट वगैरह में भी हैं उनको भी मिल जाता है टाइम, हमें पता है डाइट में कितनी क्लासेस लेते हैं, तो उस केस में मतलब वो 6 घंटे आपने 6 महीने के लिए एटलीस्ट निकाल के रखो। अगर किसी की बहुत अच्छी स्पीड है तो वो 3 महीने के लिए अगर करेगा अच्छे से तैयारी तो हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल इंसान को 6 महीने आज की डेट में चाहिए। तो वो 6 महीने का टाइम पीरियड अपने घर वालों से कह दो कि ना मुझे इस दौरान शादी में जाना, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी और की, है ना, ना किसी और चीज़ को अटेंड करना, एक रूम पकड़ो अपना, और रूम नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और एक वो 6-8 घंटे बहुत ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठे नहीं करने के, किताबें भर ली पूरा, क्योंकि पिताजी ने कह दिया सरकारी नौकरी के नाम पे ले जाओ बेटा, फीस ले जाओ, कोचिंग भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, या खुद का भी पैसा अगर आप कमा के भी खर्च कर रहे हो तो भी वो कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा करना ही नहीं है। मैं अगेन बार बार इसी बात पर जोर दे रही हूँ, करियर बिल है चाहे आप कहीं और से भी ले रहे हो, मतलब मैं इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं कह रही हूँ, कोशिश करिए। यहाँ तो मतलब 100% में ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ जो बैच में कराया जा रहा है उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर ले पहले, कहीं और भी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो तरीका यही रखिए कि पहले जो वहाँ कराया गया है उसको अच्छे से कर लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, आपके पास वो नोट्स होने चाहिए, सिर्फ PDF के फॉर्म में इकट्ठे नहीं, आपके पास एक रजिस्टर जैसे मैंने हार्ड कॉपी आपको दी है उसका रीज़न है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हार्ड कॉपी नहीं, मैं आपको पेन दे देती, मैं आपको और कुछ और दे देती, आज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस चीज़ को रखा है, उसका रीज़न है। अगर आपके सामने होती है ना चीज़ें, चाहे कितना भी ऑनलाइन हो जाए, जब तक हार्ड कॉपी हाथ में नहीं होती, कई लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, मान रहे हो या नहीं, तो वो नोट्स या तो खुद से बनाओ, खुद से, किसी से ऐसा होता होगा कि नहीं बनते होंगे, तो कोई दोस्त ने अगर साथ में बैच लिया हुआ है वो बना लेता है उससे ले लो, हालांकि बेस्ट ये है कि आप खुद बनाओ। ये मत करो कि बस PDFs पड़ी हुई हैं, वो तो सबके पास पड़ी हुई है, इंटरनेट पर कहाँ PDFs की कमी है आजकल, तो वो मत करिए। अपने नोट्स जो भी कोचिंग है या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर मान लीजिए यूट्यूब से ही देख रहे हो आप, तो वो टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको वो नोट्स की फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, और आपका लिखा हुआ होगा तो और अच्छा है, और कोशिश करिए कंसाइज वे में लिखा हो। आप वीकली 2 दिन बैठ के रिविजन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कोई टेस्ट दे सकते हैं, 1 दिन आप फ्री भी रख सकते हैं, अभी जिनके भी हुए हैं रीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले भी, अगर D+B की बात करें, ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी भी की है, जिन्होंने थोड़े मजे भी कर लिए, मजे का मतलब ये नहीं हर दिन मजे ही किए, 1-2 घंटा आप खुद को दे लेते हैं दिन में, वो भी बहुत बड़ी बात है, जो लोग फ्री हैं वही दे पाएंगे। ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, हाँ, तो उसमें वो लोग वीक में 1 दिन निकाल लिया, मान लीजिए कोई बाहर रह के पढ़ रहा है तो वो सैटरडे को चलो मूवी देखा है, कुछ और कर लिया, कुछ ना कुछ कर सकते हो, वो सबका अपना एक पर्सनल जोन होता है, वॉक पे ही चले गए कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो वो 1 दिन आप अपने लिए रख लीजिए, उसमें मन करे तो पढ़ भी लीजिए, नहीं करे तो मत पढ़िए, लेकिन ये अपने आप से झूठ नहीं बोलना, वो 6 घंटे जो आप, ये कम से कम है, क्योंकि आप क्लास लोगे तो 3 क्लास भी होंगी 2-2 घंटे की, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास होती हैं आराम से, तो एटलीस्ट जितना कराया जा रहा है वो आपके दिमाग में सही से फिटेड हो, और दूसरा आपने वो नोट्स की फॉर्म में लिख लिया हो, तभी आप वीकली रिविजन कर पाएंगे। 6 महीने 6 घंटे एटलीस्ट, 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट निकालोगे आराम से 6 घंटे हो जाएंगे, है ना। और जिनको लग रहा है कि हाँ चाहिए नौकरी, देख लेते हैं कोचिंग लेके, ये कर लेते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाली किताबों का भंडार लगा लेते हैं, भंडार बाद में लगाइएगा, पहले अगर कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ सारे टॉपिक्स के, एक एक बेसिक बुक लेनी है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बैच लिया ही नहीं है तो वो एक एक बेसिक बुक लो, जैसे जो अच्छी अच्छी बुक है अपने सब्जेक्ट की, और तैयारी करो।
जिनको अगेन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद हाथ उठाएंगे नहीं अगर मैं बोलूंगी, जिनको लगता है कि देखते हैं यार होता है कि नहीं होता या कोचिंग करके देख लेता हूँ। देखो ये शुरुआत के 15 दिन तक समझ में आता है, जब आप कोचिंग लेने जा रहे हो या उसका सिलेबस देख रहे हो किसी चीज़ का, वो 10-15 दिन में आपको समझ आ जाता है कि आप मेहनत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपके दिमाग में जम रही हैं चीज़ें या नहीं जम रही हैं। डाउट तो बहुत बार आता है, कई बार कितने भारी भारी प्रिपरेशन में भी लोग कई बार डाउट में आते हैं, बट वो आप देख के जान लो कि मेहनत करने की इच्छा हो रही है सिलेबस देख के या नहीं। वो शुरू के 10 दिन दे दो अपने आप को कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, यूट्यूब चैनल देखने के लिए, किताबें इकट्ठी करने के लिए, लेकिन खुद से पूछ लो सच्चाई से। अगर आपको लग रहा है मजबूरी में पापा जान को आएंगे ही कि नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ तो प्रथा है, तो उनको या तो सच बोल दीजिए या फिर एटलीस्ट अपना कुछ कमाने का जरिया ढूंढ लीजिए। कहीं पर ट्यूशन पढ़ाइए, कहीं पर कुछ और करिए, कोई और कोर्स करना है, आगे पढ़ाई करनी है वो करिए, कुछ भी करिए लेकिन करिए, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपकी एज भी चली जाएगी और फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इतनी एंजाइटी लोगों में, और फिर समझ नहीं आता जब आप 5-6 साल सिर्फ तैयारी करी होती है ना आपने, फिर आपको समझ नहीं आता दुनिया में और क्या करूं। ये वैसे ही बात है कि शादी हो गई थी और फिर 7 साल तक कुछ काम नहीं किया था, जॉब थी छोड़ दी थी और फिर वो गैप आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बात है। अगर आपने 5 साल सिर्फ तैयारी को दे दी, कहाँ से आ गए 5 साल, होते थोड़ी हैं 5 साल यार, मतलब जिंदगी में से 5 साल सिर्फ तैयारी करोगे, सिर्फ तैयारी नहीं करोगे, आपका जब टीचिंग ट्रेनिंग हो गया उसके बाद 2 साल भी मोर देन इनफ है तैयारी के लिए, तो मैं 6 महीने कह रही हूँ। अगर आपको लग रहा है इस बीच, क्योंकि वैकेंसीज आगे पीछे होती रहती हैं, तो इसलिए मैं वो कह रही हूँ कि जब आपने 6 महीने तैयारी कर ली, तो आप स्कूल में बैठ करके आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, कोई और हॉबी है, कुछ और साइड से कोई इनकम, कुछ भी करना है करना शुरू कर दो, और साथ साथ दिन के 2 घंटे या वीकली अगर रिवीजन कर पाओ जॉब के साथ साथ तो वो कर लो, क्योंकि वो 6 महीने इंटेंस तैयारी आपने की है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके रिसोर्सेज भी बच जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी ये स्कूल वाली पढ़ाई या कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है जहाँ हमें पता है यार यही सिलेबस है, बस इतना ही करना है, यही करना है, वो करना है। अगर सच में मेहनत करने की इच्छा आ रही है अंदर से, कोई आसपास, क्योंकि सोर्सेज की कमी नहीं है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी भी 70 तरह की मिल जाएंगी, कितने इंटरव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं, आपको वो चीज़ देखनी है, अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए पहले तो। बहुत ज़्यादा वैसे तो आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं, मतलब मुझे लगता है मेरे लर्नर्स अपने आप में बहुत एक समझदार लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं, मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है। बट कि आप लोग, मुझे नहीं लगता किसी को भी गालियाँ लिखते होंगे इंटरनेट पे या कुछ बुरा बोलते होंगे या सोचते होंगे अरे हम तो इसके बारे में बात चल रही है, इसको ये कह दिया, मैं इसको ये कह देती हूँ, इन सबसे कुछ होना ही नहीं है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा साइड लेनी है, आपको कोई पसंद है हाँ ठीक है अप्रिशिएट करिए, बट बेवजह का अपना इंटरनेट का फालतू यूज़ नहीं करना जब तक आप कहीं सेटल नहीं हो जा रहे हैं, है ना। बहुत ज्ञान दे दिया ना मैंने। अब कई लोग कहेंगे कि आप तो व्लॉग भी बनाते हो, आपकी तो रील्स भी आती हैं, आपके तो इतने फैन चैनल्स हैं, है ना, मतलब मेरे वो पर्सनल चैनल्स नहीं है, बट ये बात मैं आपको स्पेशली ये बात आपके दिमाग में डालना चाह रही हूँ कि ये आपकी चॉइस होनी चाहिए आपको कब क्या देखना है। इंटरनेट पे तो बहुत कुछ है, वहाँ तो डांस भी है, वहाँ तो फलाना भी है, वहाँ तो सब कुछ है। मैं सबको भी, मतलब किसी का अगर घर चल रहा है मेरे वीडियोज़ डालने से, तो कोई मतलब ठीक है वो डाल ले भाई, जिसके पास टाइम है। कई लोग मोटिवेशन के लिए देखते हैं, कई लोगों को वो चीज़ हेल्प भी करती है, आज भी आप में से कई लोगों ने ये बात कही है, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, वो कोई कंपल्शन नहीं है, क्लास नहीं है। आप लोग सारी तो क्लासेस भी नहीं देखते, शॉर्ट सारी देखनी है आपको, हैं तो वो आप अपनी चॉइस से रखिए, मतलब मैं ऐसा नहीं है कोई ऐसे डांटने वाली बात नहीं है, कभी आप दिल पे ले जाओ, इट्स जस्ट कि अपनी चॉइस से देखिए। फोन आपको यूज ना करें, आप फोन को यूज कर रहे हैं।